हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिसेस साधना एंड आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोशल साइंस ऑफ क्लास फोर, इंडिया लोकेशन एंड इट्स नेबर्स। इंडिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ साउथ एशिया एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय द हिमालयाज। इट हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, आइलैंड एक्सेट्रा। इंडिया इज द सेवन लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। न्यू दिल्ली इज इट्स कैपिटल। हमारा देश भारत एशियन कॉन्टिनेंट में आता है, ये हमें पता है, लेकिन हम और थोड़ा सटीक तरीके से इसके बारे में जाने तो हमारा देश भारत साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशियन महाद्वीप में स्थित है। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। हमारा देश सातवें स्थान पर है और इसकी राजधानी न्यू दिल्ली है। अब आगे हम इसके लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मेन लैंड एक्सटेंड फ्रॉम 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude, which is known as its latitudinal extent. It's हमारा भारत देश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। Its longitudinal extent east to west is from 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. Its north to south extent of mainland is 3,214 kilometer, while east to west extent is 2,933 kilometer. The Tropic of Cancer passes through the middle of the country, dividing it into two halves. India lies in northern hemisphere. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कि हम कर्क रेखा कहते हैं, हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है और दो भागों में हमारे देश को बांटती है। और हमारा देश भारतवर्ष नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप सभी मैप में भी देखेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस के द्वारा पार्टीशन दिखाया गया है। ये डिवीज़न हमें एंगल के टर्म्स में एग्जैक्टली ये बताने में मदद करते हैं कि कोई भी चीज़ या किसी भी भूभाग की सटीक पोजीशन कहाँ है और क्या है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आगे के क्लास में हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं जो कि हॉरिजेंटली ड्रॉ की जाती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है देशांतर रेखाएं जो कि वर्टिकली पोल टू पोल ड्रॉ की जाती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये सभी रेखाएं जो कि वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है, ये हमें साइमानों के द्वारा या साइंटिस्ट के द्वारा जियोग्राफिकली कैलकुलेशन का इजीली कैलकुलेट करने के लिए बनाई जा गई है। स्टूडेंट्स, आप मैप में देख सकते हैं कि हमारा देश इंडिया कहां से कहां तक फैला हुआ है, फ्रॉम east to west and from north to south. अब हम रिलीफ के बारे में जानेंगे। हमारे देश का जो भूभाग है कहीं भी एक जैसा नहीं है, बहुत वेरिएशन है। इंडिया इज कॉल्ड ए पेनिनसुला एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड। हम भारत को प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट एंड इंडियन ओशन टू द साउथ ऑफ द पेनिनसुलर लैंड। क्या है? अरब सागर वेस्ट में है, द बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशन साउथ के साउथ में है स्थित है। हमारा देश का जो भूभाग है कहीं भी एक जैसा नहीं है, इसमें बहुत वेरिएशन है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। इंडिया इज कॉल्ड ए पेनिनसुला एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स।
हमारा देश भारत जो है इसको हम पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये तीन भाग तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। द अरेबियन सी लाइज टू द वेस्ट, अरब सागर जो है वो इसके पश्चिम में स्थित है। बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट, बंगाल की खाड़ी इसके पूरब में स्थित है। इंडियन ओशन जिसे हम हिंद महासागर भी कहते हैं वो दक्षिण भाग में स्थित है। तीन तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसे हम पेनिनसुलर लैंड के नाम से भी जानते हैं और इसे हम पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। अब हम इस नॉर्दर्न प्ले माउंटेन्स के बारे में जानेंगे। बॉर्डरिंग द कंट्री इन द नॉर्थ आर हिमालयाज, हमारे विच आर द हाईएस्ट माउंटेन्स रेंजेस इन द वर्ल्ड। अब हमारे उत्तर देश के उत्तर भाग में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वे हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे हमें बहुत सारी उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। एंड सम ऑफ आवर रिवर्स ऑल्सो राइज फ्रॉम द हिमालय, बहुत सारे नदियों का उद्गम हिमालय से ही हुआ है। ऑरिजिन, इसकी उत्पत्ति हिमालय से ही हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। विशाल उत्तरी मैदान। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द लॉफ्टी रेंजेस एंड आर वेरी फर्टाइल, ये हिमालय की बुलंद चोटियों के दक्षिण में स्थित सबसे उपजाऊ भूभाग है। द साउदर्न प्लेटू, प्लेटू का मतलब पठार होता है। ये होते क्या हैं? दे आर ए फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म्स दैट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया, यानी कि ये एक ऊंचाई पे स्थित समतल भूभाग है। एग्जाम्पल, डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। कोस्टल प्लेन्स एंड आईलैंड, तटीय मैदान। बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी लाई द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल, ये समुद्र के बराबर साथ साथ पाए जाने वाले वैसे भूभाग हैं जो समुद्र की ओर ढलान लिए होते हैं। इन इंडिया इन द वेस्ट आर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दैट राइज लाई बिटवीन अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स, इन द ईस्ट आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दैट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। वाट आर घाट्स, ये घाट क्या होते हैं? दीज घाट्स आर हिली एरिया दैट रन्स पैरेलली टू द कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर दैन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पूर्वी भूभाग में पाए जाने वाले तटीय मैदान का फैलाव पश्चिम की तुलना में ज़्यादा है। अब हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आइलैंड का मतलब होता है टापू। द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार लाई इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप लाइज इन द अरेबियन सी। दे आर ए पार्ट ऑफ इंडिया। दीज आर स्मॉलर लैंड मासेज दैट आर सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड्स एंड आर स्मॉलर दैन ए कॉन्टिनेंट। इन इंडिया अंडमान एंड निकोबार and Lakshadweep are the two major islands in the Bay of Bengal, Arabian Sea, respectively. अब हम deserts के बारे में पढ़ेंगे। The Western Desert. Deserts are dry land where there is excess of evaporation then rainfall. The climate is very hostile for habitat. यहाँ पर यहाँ का मौसम जो होता है बहुत विषम परिस्थिति वाला होता है। यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और ठंड भी अधिक पड़ती है। डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल की जलवायु इतनी विषम होती है कि जीवन का पनपना बहुत कठिन होता है। वहाँ अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड दोनों ही होता है। डेजर्ट्स मरुस्थल, द डेजर्ट्स मरुस्थल को कहते हैं। डेजर्ट
द वेस्टर्न पार्ट द वेस्टर्न और थार डेजर्ट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. द नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाई थार डेजर्ट. इट इज द ओनली डेजर्ट डेजर्ट ओनली वन डेजर्ट इन इंडिया. हेयर कंट्रीज सराउंडिंग इंडिया, हमारे देश के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे. इंडिया हेयर वी विल नो अबाउट आवर नेबर नेबरिंग कंट्रीज दैट शेयर बाउंड्री विथ अस. अब हम अलग अलग दिशाओं में अपने देश के साथ जुड़ने वाले पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे. इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ ए नंबर ऑफ कंट्रीज इन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट. पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान लाई इन नॉर्थ वेस्ट. नेपाल चाइना एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश टू द ईस्ट. इन द साउथ लाई श्रीलंका. वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. स्टूडेंट्स, अब हम आपको आगे के क्लास में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्वेश्चन आंसर करवाएंगे. स्टे सेफ. थैंक यू.